1953 में हुई और इसके फाउंडर सैयद मोहम्मद जाफर थे, उन्होंने बुनियाद रखी। तो जिस वक्त उन्होंने यहाँ ये बुनियाद रखी उस वक्त यहाँ पे पढ़ाई का बिल्कुल भी कोई माहौल नहीं था, ख़ास तौर से औरतों के लिए। तो उनकी माशी हालात देखते हुए बहुत गरीबी थी यहाँ पे, तो उन्होंने पहले सिलाई स्कूल की बुनियाद रखी 1953 में। लेकिन जब बच्चियाँ यहाँ पे आईं और आने के बाद उन्होंने देखा कि उनको लिखना पढ़ना कोई वो मेजरमेंट कर ही नहीं सकती थी, तब फिर ये सोचा गया पहले कि सबसे पहले यहाँ पे बच्चों लड़कियों को पढ़ाने का इंतज़ाम किया गया। तो 1955 में स्कूल की बुनियाद रखी गई और 1955 में जो है यहाँ पे लड़कियों का ये अदारा जो था वो कायम किया गया। अभी स्कूल का क्या स्टेटस है? अब माशाल्लाह स्कूल हमारा जो है वो इंटर कॉलेज फर्स्ट क्लास से शुरू हुआ था और इस वक्त वो इंटर कॉलेज हो रहा है। और सबसे फ़ख्र की बात हम लोग के लिए कि हमारे यहाँ 100% रिज़ल्ट जब से हमने किया और उसके पहले से यहाँ पे हमेशा 100% रिज़ल्ट रहा और कभी कोई लड़की ना फेल हुई। और अखिलेश गवर्नमेंट इससे 2 साल पहले हमारे यहाँ ऑनर्स के साथ लड़कियाँ 30 लड़कियों को अखिलेश सिंह ने इनाम दिए थे अपने साथ से बुला के, और माशाल्लाह से हमारा रिज़ल्ट हमेशा 99% तो फर्स्ट क्लास रहती है, एक आध बच्ची जो होती है वो सेकंड क्लास में पास होती है। तो इस तरह देखा जाए तो हमारा स्कूल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है और माइनॉरिटी में यूपी में हमारा स्कूल जो है वो नंबर 1 पे है। उसका हमारे पास सर्टिफिकेट वगैरह भी है। और स्कूल की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हम तो बहुत चाहते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर जिस तबके से बच्चियाँ आती हैं तो वो बहुत गरीबी वाला तबका है, तो हम चाहते हैं हम उनको कुछ इस तरह का कर दें कि वो जो परेशानियां उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़ेस की हैं वो आगे उनके बच्चे ना फ़ेस करने पाएँ। तो उनको हम पढ़ा लिखा के रोज़गार वाले चाहते हैं कि इस तरह की हम उनको तालीम दें कि वो बच्चे रोज़गार हासिल कर सकें। और अल्लाह का करम है कि बहुत से बच्चियाँ यहाँ पर दूसरे स्कूल्स में पढ़ा रही हैं, बहुत से सरकारी नौकरियों में भी हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम यही करते रहेंगे। अच्छा, अभी कोई बच्चियों के कोई ऐसे मसाइल हैं कि जिनको आप फेस कर रही हो? और आप हमारे बस सिर्फ एक मसाइल, ऐसे तो कोई ख़ास परेशानी नहीं है, लेकिन सिर्फ जो एक परेशानी हमारी वो ये है कि यहाँ पे अभी भी लोगों ने पढ़ाई की अहमियत को तस्लीम नहीं किया है। अभी भी उनको ये नहीं है कि हमें बच्चों को रोज़ स्कूल भेजना चाहिए, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो बस हमें सिर्फ ये एक परेशानी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उसके ऊपर भी काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। आगे आप बच्चों के माँ बाप या बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम माँ बाप को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम लोग जिस एरिया से ताल्लुक़ रख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे भी गरीबी, जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको भी मालूम है यहाँ पे बहुत गरीबी है। तो हम ये चाहेंगे कि कम से कम माँ इस अहमियत को समझें और अपने बच्चों को स्कूल रोज़ भेजें ताकि उनके बच्चे भी तरक्की करके इस परेशानी से निजात पा सकें।